आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि देश भर में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पार्टी नेता तमाम राज्यों में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि वो इसे लेकर प्रदर्शन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। दिल्ली में कांग्रेस ने पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन के घेराव का ऐलान किया है, जिसके बाद इन इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच में एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के नेता यहां पर गिरफ्तार हो रहे हैं लगातार, और उस बीच में राहुल गांधी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे थे, राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि विजय चौक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोका गया, उसके बाद हिरासत में ले लिया गया। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है और उस प्रदर्शन के तहत तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, उन तमाम नेताओं को भी गिरफ्त में लिया जा रहा है। उस बीच में कांग्रेस के नेता यहां पर देखा जा रहा है कि तमाम बड़ी संख्या में गिरफ्तार हो रहे हैं, और उस बीच में यहां पर राहुल गांधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया जब वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे थे, और उसके बाद पुलिस ने उनको अपने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि विजय चौक पहुंचने से पहले ही उन्हें रोका गया और इस तरह से कार्रवाई करवाई गई। बहरहाल हम आपको बता दें कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताया कि आज कांग्रेस जो है काले कपड़ों में काला दिवस मना रही है और यहाँ पर राष्ट्रपति भवन सहित पीएम भवन को घेरने की पूरी तैयारी है। लेकिन इस बीच में पुलिस भी अलर्ट मोड पर है, पुलिस लगातार कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर रही है, और इस गिरफ्तारी के बीच में एक बड़ा चेहरा भी गिरफ्तार हो चुका है कांग्रेस का। आपको बता दें कि राहुल गांधी को अपने हिरासत में पुलिस ले चुकी है, अब आगे की कार्रवाई भी जारी है। और इस दौरान जो है कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब अभी आने वाले समय में कांग्रेस के और कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो गिरफ्तार होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस बीच में ये बड़ी खबर सामने आई है कि इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को अपने हिरासत में ले लिया गया है। इस बड़ी खबर को देखते हुए आप लोग की क्या तर्क है, राहुल गांधी को गिरफ्तार करना क्या पुलिस को सोवा दे रहा है या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहरहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।